हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप गाइस कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे SHD फैमिली ब्लॉग में। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके शुरू करती है आज का वीडियो। मैं बहुत पहले नींद से जाग गई हूँ और अभी घर का सारा काम हो गया। अभी पोछा लगाने जा रही हूँ। पोछा लगा के कपड़ा भीजना है आज, कपड़ा भीज के और नहा के उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए ठीक है। सो गाइस, मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट। अभी घर का थोड़ा बहुत काम हो गया और अभी चावल बैठाई हूँ। अभी सब्जी कटिंग भी हो गया, मैं अभी जा रही हूँ सब्जी बनाने। और चलिए गाइस, आप लोगों को भी दिखाते हैं। Come with me and let us dance. Tell me these colorful stories where I don't know, but life is also a place made of many, many dreams. So guys, आज मैं बनाऊंगी मछली की सब्जी और एक आलू का सिंपल सा सब्जी। चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने आलू को कट करके रखे हुआ है। ये फिश में डालेंगे और ये है आलू का सब्जी बनाएंगे इसमें। और यहाँ पे सारा बिखरा हुआ पड़ा है, इसको मैंने ठीक करना है क्योंकि वहाँ से ना बारिश के पानी आता है ना, तो इसलिए। नहीं तो मेरे किचन कभी भी ऐसा गंदा नहीं रहता है गाइस। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च भी लिया है, ये आलू का सब्जी में जाएगा। और ये है फिश। तो गाइस, रात में ही लाए थे फिश और रात में हम लोग खा चुके हैं और अभी सुबह सब्जी बनाएंगे। सिर्फ दोपहर के लिए बना रहे हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। मतलब रात के लिए अलग से बनता है क्योंकि कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, ठीक नहीं है। लेकिन अलग से आज स्पेशली करके आज रात में बनेगा क्योंकि फिश जो है ये 3 पीस है, मतलब हम 3 लोगों के लिए, और रात में खा चुकी हूँ। तो गाइस, मैं आज कोई रेसिपी नहीं दूंगी। तो चलिए, हो सकता है तो रात में रेसिपी दे सकती हूँ, पता नहीं। तो चलिए गाइस, रात का तो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फिलहाल मैं मतलब खाना बना रही हूँ, आप लोग भी देखिए और वीडियो को फर्स्ट से एंड तक ज़रूर इंजॉय करना। ओके गाइस, come with me and let us dance. Tell me these colorful stories where I don't know, but life is also a place made of many, many dreams. Always stay connected. What you gonna do if I do? Tell me what you know. Yes, you know. It's a family, my magic joy in a dream. What you gonna say if you stay? Look at this fire in your hand, made of million kisses, my magic joy. गाइस, मेरा खाना बनाना हो गया। अभी मैं जा रही हूँ बाबू को खाना बना खिला के सुलाने, उसके बाद चार्ज में दे दूँगी फ़ोन। तो हे गाइस, अभी है दोपहर का टाइम और मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने। खाना खा के आके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, नहीं फिर एकदम शाम के टाइम मिलूँगी। तो आप लोग भी खाना पीना खा लो, खा के जाके सो जाओ, सो जाके उसके बाद फिर मुझसे मिलना शाम के टाइम। ओके गाइस, तो मैं जाती हूँ खाना खाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना जोर के भूख लगी है।
और तो चलिए जाती हूँ, नहीं तो मारे लगे हन कहियन कि हाँ मुझे भोजपुरी नहीं आता है गाइस। तो चलिए गाइस मैं भी खाना खाने जा रही हूँ, आप भी खाना खाने बैठ जाओ या खाना खा लो, कुछ भी करो, लेकिन मैं बोलूँगी कि खाना खा लो। और चलिए गाइस मैं भी खाना खाने जाती हूँ, आप लोग भी खाना खाओ। अभी मैं रखती हूँ, पागल जैसा बोलती हूँ, आप लोगों को दिमाग खाती हूँ, तो बाय। और अभी मतलब टिफिन में कुछ तो चट्टा चट्टा होना चाहिए ना गाइस, तो मैं लेके आ गई हूँ छोटा सा एक छुटकू सा रेसिपी जो है बंगाल का बहुत फेमस है। और हाँ गाइस मैंने आज नेल आर्ट किया, ये देखो ये आज मैंने किया है। और मतलब लेके आई हूँ बंगाल का फेमस एक स्नैक्स रेसिपी जो है, जो एकदम छोटा सा, कुछ नहीं लगता है आपको करने में। तो हाँ हाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सिंपल सा रेसिपी है, छोटा सा, और बंगाल में ज़्यादा चलता है। आलू चॉप, उसके बाद जो मिर्च होता है ना बड़ा बड़ा शिमला मिर्च उसका चॉप होता है, उसके बाद प्याजी होता है, उसके बैगुनी होता है, मतलब ये बहुत सारा जितना सामान है ना ये एक स्नैक्स स्नैक्स के तौर पे आता है। तो इसी में से मैं आज आपको लोगों को करके दिखाने वाली हूँ धोने पत्ता का चॉप, ग्रीन लीव्स होता है उसका पकौड़ी तलेंगे। और हम लोग बंगाली में चॉप बोलते हैं और आप लोग हिंदी में बोलते हो कि पकौड़ी। हाँ तो जो भी बोलो, पकौड़ी बोलो या चॉप बोलो, तो मैं आज तलने वाली हूँ। मैं आज के दो आप लोगों को दो दिखाने वाली हूँ, एक है प्याज का है प्याजी बनाऊँगी, और दो है धनिया पत्ता का पकौड़ी बनाऊँगी। तो दो रेसिपी शॉर्ट में ही दिखाने वाली हूँ, तो चलिए गाइज रेसिपी के इंजॉय कीजिए, तो चलते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च काट लिया है, और यहाँ पे बेसन है, इसमें काली जीरा और नमक, थोड़ा सा हल्दी और नमक है, और यहाँ पे है धनिया की पत्ती, इसको हम मिक्स कर लेंगे गाइस। तो इसमें से थोड़ा उठा के उसमें रख देती हूँ क्योंकि उसमें काम आएगा। और ये देखिए गाइस, तो मैं उसको पूरा मिक्स कर रही हूँ, और उसमें अब प्याज डाल दिए मैंने। अब इसको थोड़ा मिक्स करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, बहुत दिनों से हीटर पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा हीटर भी बनाया जाए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को बैठा दिया है गाइस, देखो कढ़ाई को बैठा दिया है, उसको उसमें ऑयल डाल देंगे। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे ऑयल को बैठा दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। सो गाइस ऑयल जो है पूरी तरह से गर्म हो चुका है, और मैं एक इसमें डाल चुकी हूँ गाइस, अब डाल देती हूँ। ये मैं साइज़ में छोटा छोटा कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहो तो ये बड़ा साइज़ में भी कर सकते हो। तो गाइस ये अब चेक कर लेते हैं उसको हुआ है कि नहीं, एक तरफ से हो गया है, मतलब नीचे का थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं मतलब हाफ हो गया है। अब इसको एक एक करके मैं उलट रही हूँ, उलट के चेक कर रही हूँ, नहीं तो जल जाएगा तो खाने में एकदम ख़राब लगेगा। तो देखिए गाइस, तो गाइस मैं पकौड़ी चेक कर रही हूँ, अब भी पकौड़ी जो है एक तरफ से पूरा हो गया है और दूसरी तरफ से भी पूरा हो गया है, इसका कलर पूरा आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और थोड़ा सा बस पकने देते हैं। उसके बाद अभी एक कटोरी में उसको उतार लेते हैं एक एक करके गाइस,
और गाइस कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मेरे पास ना आईपॉड है ना मतलब कुछ है, तो मैं आपको लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, मैं मतलब एक हाथ में कैमरा पकड़ के ही मैं वीडियो करती हूँ। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से माफ़ कर देना, नया यूट्यूब पे हूँ तो गाइस सॉरी, मैं पहले से आप लोगों के मतलब साथ माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ गाइस माफ़ कर देना। और ये कटोरी में देखो गाइस मैंने उतार लिया है पकौड़ी, यह है चाय और ये पकौड़ी के साथ ये देखो मेरे बाबू भी खा रहा है। बाबू कैमन होता तो गाइस ये देखो ये भी मेरे हाथ में है, बाबू ने एक कमर खाया था ये देखो। तो आप लोग भी घर में ट्राई करना और बताना हमको कमेंट में कि कैसा लगा। इतना ही, यही बड़ी एंड करती हूँ मेरा वीडियो को। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए और लास्ट में तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गुड नाइट गाइस, ओके बाय, सी यू। खाना पीना खा के सो जा और हम भी सो। पकोड़ा गर्मा गर्म पकोड़ा खा लो गाइस, खा लो गाइस। यम यम यम, बाय।